ड्राइवर उधर खा रहे हैं हमारे पास। यहाँ से 28-30 से खड़ा हूँ, ये कांड भाई चल 2 घंटे छोड़ते हैं, 3 घंटे छोड़ते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। आगे बनाल में जाम लग गया जी, कहीं कहीं जाम लग गया, ऐसे चक्कर में पीछे वाली कांड भाई को जो प्रॉपर लाइन में चल रहा है उसको रोक देते हैं, जो दाएं बाएं से आ रहा है उसको निकाल रहे हैं आगे गाड़ी को, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लाइन लगा के चलती है। ड्राइवर गाड़ी वाले का नुकसान है, जो अपनी जेब से पैसा भी लगा रहा, खर्चा भी कर रहा, फिर भी कुछ नहीं जा रहा। सेब का नुकसान, व्यापारी का सब, और तो व्यापारी का सबसे ज्यादा नुकसान है, जिसका माल खराब हो रहा है। जब प्रशासन से आपकी बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमारे को कोई दिया भी, 2-3 दिन रुको भी, देखते हैं, हम करते हैं, अभी थोड़ा सा हल करते हैं, अभी चलेगा। पर वो 2-3 दिन कभी ये हो गया, कभी वो गया, ऐसे ही छोड़ते हैं जी। अभी 6-7 दिन इधर हो गया, अभी पता नहीं आज छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये कोई प्रॉपर उनका वो नहीं है। हमारा तो तलब रहेगा का प्रशासन को भी गाड़ियां छोड़ दे, जितनी जल्दी छोड़ेगा उतना उसका क्लियर हो जाएगा। हम इतने परेशान हो रहे हैं, 5 दिन हो गया यहाँ खड़े हुए, ना पानी है, ना पीने का, ना चाय पानी, ना रोटी पानी, हम कहाँ जाए? जो पीछे गाड़ी होती है वो आगे लेके आता, डबल डबल लाइन लग जाती है, जो 5 दिन की गाड़ी खड़ी है वो पीछे रह जाती है, जो आज भरी है वो निकल जाती है, हम क्या करें, किसको बोले? हम सब में सेव है, गाड़ी में एप्पल भरा हुआ, अब क्या कहाँ जाएं? व्यापारी हमें कह रहा है गाड़ी लेके जा रहे, गाड़ी कहाँ से लेके जाएं? वो तो गल जाएगा ऐसे, अब गाड़ियों में बदबू आने लग गया, क्या करें हम बताओ? इतना परेशान हो रहे हैं हम, ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं। कितना सारा नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है, नुकसान आपके सामने है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, गाड़ी वाले को भाड़ा नहीं मिलता, व्यापारी को पैसा नहीं मिलता, एप्पल का पैसा कौन देगा? क्यों क्यों जब ये सड़ जाएगा कौन देगा इसका पैसा? ना हमें कोई भाड़ा मिलेगा, ना उनको पेमेंट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा उनको पेमेंट? सब यहाँ पे परेशान है, कोई कैसे, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, क्या करे बंदा? यहाँ पानी लेके लेने के लिए भी 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। प्रशासन का कोई आया आपके यहाँ? एक बार आया था परसों 3-4 दिन पहले आया था, कह रहे थे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, आज देख लो आपके सामने कितनी गाड़ी, लाखों गाड़ी खड़ी है, कोई हल नहीं हो रहा इसका।
ये कम से कम 5-7 हजार गाड़ी होगी, ज्यादा कम नहीं है। अभी प्रशासन को चाहिए एक दिन इस गाड़ी को पूरी रात छोड़े, गाड़ी निकल जाएगा। 2 घंटे छोड़ते हैं, जो लोकल गाड़ी है वो निकल जाती है, जो बाहर की गाड़ी है वो फंस जाती है, क्या करें हम बताओ। ये हम 4 दिन से यहाँ खड़े हैं, कानवाई पूरे छोड़ते नहीं है, माल खराब हो जाता है, आगे पार्टी माल डिमांड करके पैसा काट लेती, हम यहाँ बहुत परेशान है, ठीक है ना। अब यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, कानवाई छोड़ता है 4-6 घंटा तो उसमें रॉन्ग साइड में गाड़ी चली जाती और वो बोल देता है कि 1500 गाड़ी निकल गई या 2000 निकल गई, फिर बंद कर देता है, हम लेन का लेन में रह जाते हैं। ये बात है, हम बहुत परेशान है। 150-200 रुपये के जी तो गैस हो गया और सब्जी इतनी महंगी हो गई, हम कहाँ से लाए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं रहे, डीजल वाले भी नहीं रहे। अब 5-5, 7-7 दिन यहाँ खड़े हो गए, 7-7 दिन वहाँ आते समय खड़े हो गए। प्रशासन एक बार हमारा ये क्लियर कर दे बस। Thank you.